बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीरब फूड्स। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर हैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। तो जी दोस्तों, आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी तो नहीं शेयर करने वाली, एक छोटा सा व्लॉग है, एक छोटी सी वीडियो है। मेरे घर में आज एक छोटी सी बारबेक्यू पार्टी है, तो मैंने सोचा कि मैं उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूं। उम्मीद करती हूं कि आपको पसंद आएगी। अगर आप मेरे व्लॉग्स या वीडियो देखकर पसंद करते हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ अपनी डेली रूटीन भी शेयर करूंगी। तो जी फ्रेंड्स, ये सुबह का टाइम है और मैं सारी मैरिनेशंस रेडी कर रही हूँ, क्योंकि जितनी देर मैरिनेशन को रखा जाए, टाइम दिया जाए, उतना ही ज़्यादा फ्लेवर आता है। तो ब्रेकफास्ट के बाद मैं मैरिनेशन की तैयारी कर रही थी। सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया था। मैरिनेट करने के बाद फिर मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था, ताकि 5-6 घंटे तक इनको मैरिनेशन के लिए टाइम मिल सके। तो अब ये शाम का टाइम है, मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। तो जैसे आजकल विंटर सीज़न है और आज तो वैसे भी सुबह से बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा है छोटा सा बारबेक्यू का प्रोग्राम रखा जाए, क्योंकि विंटर में और ख़ास तौर पर इस तरह के रेनी वेदर में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बारबेक्यू। तो कोई गैदरिंग नहीं थी, बस फैमिली मेम्बर्स थे सारे, और बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा। ठंड के मौसम में बारबेक्यू को सब ने खूब इन्जॉय किया। तो चलते हैं जी छत पर, और ये देखिए कोयले तैयार कर रहे हैं हस्बैंड मेरे, और मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ। सीहों पर मैंने ये कबाब लगाए हैं, बारबेक्यू की सारी चीज़ें ऊपर आ चुकी हैं। अब ये मैं लाई बोटी में तैयार कर रही हूँ, और आप फिक्र बिल्कुल ना करें, आप सबके साथ इन चीज़ों की रेसिपीज़ बहुत जल्द चैनल पर शेयर करूँगी। सारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह चैनल पर बहुत जल्द आ जाएंगी। तो ये मैंने सीहों पर चीज़ें लगा दी हैं, हेल्प कर रहे हैं सब एक दूसरे की, और बहुत इन्जॉय किया, बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया। हालांकि छत पर बहुत ठंड थी, लेकिन इस तरह के मौसम में इन चीज़ों का बहुत मज़ा आता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी वीडियो, छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आएगा। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये देखिए बारबेक्यू हो रहा है। ऑयल से मैं ब्रश की मदद से ऑयल लगा रही हूँ। बहुत ही मॉइस्ट और बहुत ही अच्छे ये टिक्के तैयार हुए थे, कबाब भी। तो अब मैंने इनको डिश आउट कर दिया है, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन कर दी है। फैमिली डिनर टाइम है। इस तरह की छोटी छोटी गैदरिंग्स वैसे तो डेली फैमिली के साथ डिनर करते हैं, लेकिन कभी कभार इस तरह का डिनर हो जाए तो क्या ही बात है। तो बहुत मज़ा आया, सबने बहुत इन्जॉय किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये छोटी सी एफ़र्ट, छोटी सी कोशिश अच्छी लगी होगी। सपोर्ट कीजिएगा, अप्रिशिएट कीजिएगा, आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलूँगी। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।